ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में भारतीय जनता पार्टी के विधायक योगेश वर्मा के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। हैरानी वाली बात तो यह है कि पुलिस के सामने ही विधायक जी पिट गए और पुलिस खड़ी देखती रही। दरअसल वर्चस्व को लेकर बीजेपी सदर विधायक और बार अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष के बीच हाथापाई हो गई। लखीमपुर खीरी में ग्रामीण कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहा है। इस बीच जिला बार संघ के अध्यक्ष अवधेश सिंह और बीजेपी सदर विधायक योगेश वर्मा के बीच हाथापाई शुरू हो गई। दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस कर्मियों ने बीच बचाव कर दोनों लोगों को अलग किया। वहीं तनावपूर्ण माहौल देखते हुए पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। आप भी देखिए ये वीडियो। भैया ले जाओ वीडियो में दिख रहा है कि विधायक योगेश वर्मा सड़क पर आ रहे हैं। इसी बीच जिला बार संघ के अध्यक्ष अवधेश सिंह वहां पहुंचते हैं और विधायक को थप्पड़ मार देते हैं। इस पर विधायक भी भड़क जाते हैं और वह भी मारने के लिए बढ़ते हैं। तभी अवधेश सिंह के समर्थक वहां पहुंच जाते हैं और विधायक के साथ मारपीट करने लगते हैं। हालांकि वहां मौजूद पुलिसकर्मी बीच बचाव करते हुए शख्स को दूर ले जाते हैं। आज अभी जब हमें मालूम चला कि हमारे कार्यकर्ता बंधु जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे वो यहाँ पे पर्चा लेने आए, पहले हमारे व्यापार मंडल के राजू अग्रवाल जी को मारा, उनका पर्चा फाड़ लिया और फिर जब मैं उनको देखने के लिए यहाँ पे आया तो इन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की। तो कम से कम मेरा गिरेबान अवधेश सिंह वकील है, जो हमेशा जिंदगी भर जिन्होंने केवल दलाली की, इसके अलावा उनके पास में कोई काम नहीं रहा और आज उन्होंने मेरे गिरेबान के ऊपर हाथ डाला है, इसका उनको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतने को मिलेगा। आपको भी पीटा है, अपने समर्थकों को भी पीटा है, क्या लगता है किस तरह से लोग ये आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा था। जब मैं आया यहाँ पे तो अजर्रा पर्चे जो भी अंदर से आम आदमी पर्चा लेके जो आम इस बैंक का जो फाउंडर मेंबर है वो पर्चा लेके आ रहा था, उनके पर्चे तक फाड़ दिए गए। ये बताइए अब आप नहीं, प्रशासन में जब आया तब उसके बाद में एक्टिव हुआ, इससे पहले पता नहीं कितने लोगों के पर्चे फाड़ दिए गए। अभी हमारे सेक्टर संयोजक गांधी जी आए थे, उनका पर्चा फाड़ दिया, राजू अग्रवाल जी का पर्चा फाड़ दिया गया। और ये देखिए हमारे हमारे साथ में थे हेमू भैया, इनके ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की, सर पर चोट देखिए क्या लग रहा है, निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है क्या, निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है, ये आप देखिए रहो क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हुआ था आज। दिनांक 9 अक्टूबर 2024 को लखीमपुर खीरी में अर्बन कोऑपरेटिव के डेलीगेट्स का नामांकन चल रहा था, जिसके दौरान दो पक्षों के बीच कहासुनी विवाद हो गया। मौके पर पुलिस द्वारा समझा बुझाकर उनको अलग किया गया, मौके पर कानूनी व्यवस्था सामान्य है। अब आपको पूरा मामला भी समझा देते हैं कि आखिर ये विवाद क्यों हुआ। दरअसल मारपीट का ये मामला लखीमपुर खीरी में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक प्रबंध समिति के चुनाव से जुड़ा बताया जा रहा है। आरोप है कि लखीमपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में बीते कई सालों से चुनाव गुपचुप तरीके से हो जाते हैं। इस बार भी ऐसा ही करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन डेलीगेट और चेयरमैन के दावेदारों ने इसको लेकर काफी विरोध जताया था। विधायक का आरोप है कि जिला बार संघ के अध्यक्ष अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के प्रबंध समिति के चुनाव में धांधली करके अपनी पत्नी को चेयरमैन बनवाना चाहते हैं। दरअसल अवधेश सिंह की पत्नी पहले भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के प्रबंध समिति की चेयरमैन रह चुकी हैं। वहीं आज 9 अक्टूबर को डेलीगेट का नामांकन था, लेकिन इसको लेकर 8 अक्टूबर की देर रात तक किसी प्रकार की कोई तैयारी नहीं की गई थी। इसकी पोल तब खुली जब सदर एसडीएम सीओसिटी बैंक परिसर पहुंचे और अधिकारियों से प्रपत्र मांगे तो बैंक अधिकारी कोई जवाब नहीं दे पाए। लखीमपुर से सीनियर संवाददाता राजेश दिवाकर की रिपोर्ट। जाहिर है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन चुनाव को लेकर गुटबाजी साफ दिख रही है। एक तरफ सदर विधायक का गुट है तो दूसरी तरफ जिला बार संघ के अध्यक्ष अवधेश सिंह का। अवधेश सिंह अपनी पत्नी को प्रबंध समिति का चेयरमैन बनवाना चाहते हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।